सबसे पहले तजीम लाजिम है। मैंने माइयों को देखा है, तो सुनो, मैंने माइयों को, बड़ी बीवियों को, माओ को देखा है मस्जिद से जब गुजरते हैं हाथ लगा कर छूती है। आजकल के मलक मलक तो मलक भी थे जी, आज मस्जिद के करीब से भी गुजरते और मैं इतना खुश हूँ कि मलका ने निशोल मस्जिद बना ली। अल्लाह अकबर। कोई बंदा कोठी देख के खुश होता है, कोई रब का बेड़ा और कोठा देख के खुश होता है, ये छोटी बात नहीं है। ईमान वालों के लिए सबसे बड़ी बात है। मलको जब दुख आए तो कभी चूल्हे पे न बैठो, मेरी गल दिल सुन ली तो अल्लाह का वास्ता है, इस तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। दिमाग चो सारा कुछ कढ लो, गलना याद नहीं है पा लो, ये एडिया सोनिया ने इंशाल्लाह तुम्हें परेशानी आनी ही नहीं। अल्लाह सोना, जब दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, आफत बला आए, तो सूफियों का दर्ज है, तरीका सूफियों का ये है, वो चूल्हे पे ना बैठे, चौकों में दोस्तों के पास ना बैठे। जब परेशानी हो अपने यार को फोन करके होटल पे बैठ के चाय पे ना बैठे। शाहजी बताना क्या चाहते हैं, खुदा की कसम परेशानी आई तो घर में वजू कर। वुज़ू करने के बाद अपने कदमों को रब के वेड़े की तरफ बढ़ा। अब रास्ते दो है, दो रास्ते, एक रास्ता जब परेशानी आती है फलाने खान के पास जाते हैं, फलाने के पास जाते हैं, मुश्किल हल हो जाएगी। मैं तरीका बाबुल फरीद का, मेरे अली का, अली हजवेरी का, पीर सयाल लजपाल का, पीर पठान का, मेरे मतलब मुझे पीर पठान का और पूरे मोहम्मद बहारवी का, करीब में बसने वाला खूबसूरत सूफी हाजी शेर का, खुदा की कसम तरीका यह है, फरमाने परेशानी आए वेड़े ना वड़, आ रब दे वेड़े, रब दी कसम तेरा सज्जा पैर मस्जिद जबाज, रब परेशानियां पहले चाहिए। बात सही है ना, मुझे तकरीर नहीं आती, बातें करता हूँ, बातें रोक रोक के मेरी उर्दू सुन लगा है, उर्दू ठीक है जब समझ आती ना, तो कई बंदे ऐसे करते हैं जुबान नहीं लाते हैं। अल्लाह को शक है, साहिब को अर्ज करने का मतलब ये है, असल दिमाग का डाटा खराब हो गया है, हमारे जहनों का जारिया कमजोर हो गया है, हमारे दादा परदादा नाना परनाना, आप उनकी बातें अगर सुने या कोई बड़ा बंदा बैठा है तो कहता है कि मन में जब दुख आता था ना, तवज्जो नहीं, जब कोई तकलीफ आती थी तो हम जाके पीरों के पास जाते थे, रब के वेड़े में जाते थे। हैं, मुझे एक मौलाना साहब फौत हुए, इतना खूबसूरत उसका चेहरा था, सफेद दाढ़ी, चेहरा भी चमकता, मेरे अब्बा जी का साथी था। मैं कहा बाबा जी ये रौनक क्यों है, बैठो। मेरा दिल ने मैं तुम गला लगाओ तो जोर च गला भी नहीं करती। उच्चिया कुछ सवाल उन्होंने कहा जी मैंने इलम सीखा, इलम के बाद जब मैंने किसी मेरे को तुम मैं 10-15 मिनट दे दे, मेरा जेन बढ़ा दे, मैं तभी कर लेना। वो कहते हैं जब मैंने अपने उस्तादों के पास गया ना, तो उसने पुत्र इलम सीख लिया, तूने 8 साल पढ़ लिया है, आलम तो बन गया, अब किसी सूफी से मिल, किसी से मिल, मुगल बोला उच्च बोला कि सूफी से मिल, अहलुल्लाह से मिल, नए
कामिल अकमल से मिल, साहिब बसीरत से मिल। मगर बेटा इल्म जो है, बाबा जी तो जो कसो इल्म जो है ना, इल्म वो है शरीयत का। शरीयत है जाहिर की, जाहिर में ढाली है कि बंदा वजू करे तो मस्जिद में आने की क्या बोलता है कि रब की बेड़े में फर्ज अदा करना है। फरमाया एक वजू ये है, एक वजू करने वाला इतनी अंदर की ताजगी महसूस करता है कि उसका ईमान खुश हो जाता है। साहिब वर्ज करना चाहता हूँ, वो मुझे बुजुर्ग कहते हैं कि शादी मुझे जब ये बात आई तो मैं रात समाते गल मेरे जेन से भुक गई, सफेद लाल दिमाग चले कि मेरे उस्ताद ने कहा पुत्र आलम बन गया तूने, सरफ नाव इलम तक फलसफा हदीस तफसीर पढ़ ली है, किसी नेक सूफी के दामन में उसके हाथों में हाथ दे, मगर तलाश कर के सूफी दिल वाला हो, सूफी रंग वाला हो, सूफी कलब वाला हो, कलब को रोशन करने वाला हो। तो मैं जब एक अपने मुर्शिद काबिल के पास गया, अल्लाह अकबर, वो फरमाने लगे मेरा मुर्शिद कौन, क़िबला इमाम अहमद सईद काज़मी अल्लाह रहमा, इतने गजाली के जमान मेरे को तक यार तुम बंदा पंद्रह मैं थोड़े पैसे ना खुश नहीं हूँ, थोड़ी जुबान में खुश हो जा सकता पैसे नहीं दस रहे मैं इस मेरा दिमाग च नहीं बढ़ना, ये अगर ये वाइड लाया तो फिर तोड़ा मेरा फर्क क्यों है नहीं बैठे तुम, अगर बड़ी दिमाग में मेरा की आए इतने पैसे इतने फिर मेरा फर्क क्यों है, मैं बात वो करूँ जो इससे भी बालातर हो। ये भाई चार दिन की है, ईमान की मड्डी अगे की है, ये मड्डी छड़ी बदले तो थोड़ी कमरा का निशान नहीं रहना, अगर ईमान की मड्डी रही तो सुबह क्यामत तक निजात रह जाएगा। मेरे पीर का मेरे अब्बा जी के सारे मुरब्बी थे इमाम गजाली के जमाना जी तो फीस अहमद से कर दी, फिर मैं पुत्र आप बैत तो तूने कर ली, निस्बन वाला तो हो गया, हाथ ज हाथ दे ले, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ बाबा जी तो से, फिर मैं जब गमसदा हो, जब परेशान हो, जब कोई तंग करे, जब तुम्हें कोई परेशान करे तो फिर याद रख रात पढ़ता पढ़ता सो, तहज्जुद के वक्त उठकर गले में पटका डाल और पटका डाल उस वक्त जब घर के सेन में टूटी बेसन पर वजू कर लेना, फिर आंखें झुका के कदम उठा उठा कर रख कर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो जा कि मैं हुजूर की कचहरी में जा रहा हूँ। बाबा जी गल बड़ी कम दी है, मैं पुत्र कभी कोई तुझे तंग करे, कोई परेशान करे, जब तेरे गम दिल पे भारे हो, जब हर तरफ से तुझे निदामत हो, तो मैं तुम्हें नुस्खा देता हूँ बाबा जी मेरे तक को, आज वो बल्कों को मैं दे रहा हूँ। हाँ सीधी बात, वो नुस्खा छोटा नहीं है ईमान वाला बेटा, क्योंकि कर्म उसने करना है, इज्जत उसने देनी है, हयाती उसने देनी है, मौत उसने देनी है, इज्जत उसी के पास है, जिल्लत उसी बोलो उसी के पास है, औलाद वही देता है, इज्जतें वही देता है, शान वही बढ़ाता है, और कखो लख बढ़ावे उहो उसी बोलो अल्लाह अकबर, बादशाहों से गदर गबर बनाए तो वही बनाता है। कुरान अदर वत इज्ज मन तशा वत जिल्ल मन तशा बेजाती कल खैर इन्नका आला कुल्ले शैन। अब मैं आज कहना चाहता हूँ, अब मुर्शिद ने मुरीद को इल्म के बाद आलम बनने के बाद मुफ्ती बनने के बाद शेखुल हदीस बनने के बाद दर्स जब मुर्शिद का पहला हुआ ना, पुत्र जब कोई मुसीबत आए, जब तू परेशान हो, जब तुझे कोई अफराद घेर ले, तुझे गमजदा करे, तेरे दिल पे बोझ आए परेशानी का, तो नुस्खा आसान नहीं, ये नुस्खा आम नहीं, नुस्खा मुहम्मदी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की बारगाह में ऐसे होकर तो मगर मैं जाना चाहता बाद में अपने बाबे की बात कर लूँ। अल्लाह अकबर, इमाम गजाली के समान राजी दौरान पीर अहमद से काफी सफर तो मैं मुझे तो बताया पुत्र क्या ईशा पढ़ के ना नमाज, ईशा पढ़ के सो जाना, दुरूशी पढ़ते 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 वजाइफ पढ़ते पढ़ते जो चिश्ती कादरी के वजाइफ है
ऊपर पटका डाल के।